तो 12 दिन हो गए, धरना जारी है और बवाल भी जारी है। आरोप 6 बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर है। दिल्ली में 2 दिन लगातार बारिश हुई, झमाझम बरसात हुई। आप कहेंगे मैं बरसात का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बवाल की कहानी इस बरसात के बाद शुरू होती है। जहां एक तरफ बरसात हो रही थी, जंतर मंतर पर धरना चल रहा था। बारिश हुई तो स्वाभाविक है कीचड़ भी हो गया। ऐसे में पहलवानों को फोल्डिंग की जरूरत पड़ी, फोल्डिंग की, इसलिए फोल्डिंग मंगवाए गए। अब फोल्डिंग मंगवाए गए तो बवाल हो गया, बवाल दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच। आधी रात को जो बवाल हुआ, सर फूटा 2-2 पहलवानों का। रात पहलवानों की फूट फूट कर रोते हुए तस्वीरें दिखाई। अब ये तस्वीरें जब सामने आई तो सवाल भी खड़े हुए कि पुलिस ने ऐसी कार्रवाई क्यों की। अब खिलाड़ी कह रहे हैं कि अच्छा होता कि खेल में हम आते ही नहीं, और दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं बदसलूकी के। दिल्ली पुलिस कह रही है कि आरोप सरासर गलत है। महिला पुलिसकर्मी भी वहां पे मौजूद थी और किसी ने कोई बदसलूकी नहीं की, उल्टा पुलिस के साथ बदतमीजी की जा रही थी। वहीं बृजभूषण कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं दूंगा। सोमनाथ भारती, दीपेंद्र हुड्डा, स्वाति मालीवाल, जयंत चौधरी, तमाम राजनीतिक दल आंदोलन में पहुंच रहे हैं। ऐसे में राजनीति के आरोप भी लग रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में मौखिक याचिका दाखिल की गई थी, और ये रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें आप दिखाई दे रही हैं। तब उस वक्त जमकर बवाल हुआ, स्वाति मालीवाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं इस बीच आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक याचिका के लिए रिटायर्ड जस्टिस की मांग की आंदोलनकारियों ने, जो महिला पहलवान धरना दे रही हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि FIR दर्ज हो चुकी है, अब आगे की कार्रवाई के लिए निचली अदालत आप जाइए। लेकिन हां, साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि 7 शिकायतकर्ताओं के बयान क्यों नहीं दर्ज हुए। तो क्या अब यह पहलवानों का दंगल सियासी दंगल बन चुका है? यह अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे और इसी पर सियासी दंगल की दास्तान को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। हमारे साथ अश्वनी शाही जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, बीजेपी के चेहरे। ओंकार नाथ जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, कांग्रेस के चेहरे। हमारे साथ अविनाश शुक्ला जी, जो कि वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। और साथ ही डॉक्टर सुनील कौशिक, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। प्लीज कौशिक जी का नाम सही करिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अविनाश शुक्ला जी, इस चर्चा की शुरुआत कानून के नजरिए से करना चाहूंगा। राजनीति अपनी जगह है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन अब कानूनी नजरिए से इस पूरी लड़ाई को देखा और समझा जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके बाद यह लड़ाई कहां दिखाई देती है आपको, यह दंगल कहां दिखाई देता है अब आपको? थैंक यू सो मच इंडिया वॉइस फॉर कॉलिंग मी ओवर सर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत स्पष्ट किया, आई होप आई एम ऑडिबल सर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस मांग को लेकर जब भी पिटीशन मूव होती है तो उसकी एक प्रेयर होती है जी सर, उस प्रेयर में जो मांग की गई थी FIR रजिस्ट्रेशन की,
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है जी, सो जो पिटीशन का पर्पस था वो सर्व हो चुका है और उस पिटीशन के एम्बिट में जो आता है वो ऑलरेडी सर्व हो चुका है, एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। ऑनरेबल लर्नेड एसजी ने भी ऑनरेबल कोर्ट को अप्राइज किया कि इसके रिगार्डिंग जो भी आगे प्रोसीडिंग्स है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अब 164 के जो बयान है सभी के बयान वन बाय वन रिकॉर्ड किए जाएंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट 164 बयान ये डिसाइड किया जाएगा कि इनको बेल मिलनी चाहिए या इनको अरेस्ट किया जाएगा जो भी अक्यूज है। सो कानूनी लड़ाई अगर प्रोटेस्ट एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए था तो प्रोटेस्ट सक्सेसफुल रहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रोटेस्ट लाइक एफआईआर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसके बियॉन्ड आपकी जो भी ग्रीवेंस है यू कैन रेज इट बिफोर द मजिस्ट्रेट और या फिर आप 482 सीआरपीसी को की पावर के एक्सरसाइज करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट भी उसमें संज्ञान ले सकता है जी। तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे भी आप जा सकते हैं, ऐसा आप मजिस्ट्रेट के सामने अपने कोई भी ग्रीवांस आप रेज कर सकते हैं। शुक्ला सर, मैं समझना चाहूंगा क्योंकि मसला जो अब कानूनी नजरिए से देखा और समझा जा रहा है, पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ है, तो क्या इस एक्ट में ऐसा होता है कि आपको इस समय सीमा के दौरान जो है कम से कम बयान दर्ज कर देने चाहिए, ऐसा होता है क्या? देखिए, समय सीमा के दौरान बयान दर्ज करने की बात जो है, एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद इनको बयान दर्ज करने का इमीडिएट प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए और मुझे लगता है 1 से 2 दिनों के अंदर वो यकीनन इनके बयान 164 सीआरपीसी में दर्ज करेंगे और इस पर कानूनी कार्रवाई पूरी तरह से करनी पड़ेगी उनको, बिकॉज ये ऑब्लिगेशन होता है पुलिस का आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। सर, दो दो एफआईआर किसी पर दर्ज हुई तो उसके पास भी तो क्रॉस एफआईआर दर्ज करवाने का अधिकार होगा कि नहीं? जी, क्रॉस एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार तो हमेशा रहता है, बट एक्चुअली क्या है, क्रॉस एफआईआर सिर्फ एक डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है कि आप डिफेंस में क्रॉस एफआईआर करेंगे। कोई भी कंप्लेंट वीक बना के देना देयर इज नॉट द राइट प्रैक्टिस, जो हमें लगता है कि डिफेंस के लिए हम क्रॉस एफआईआर करेंगे। अगर कुछ है रेलेवेंट, कुछ कंटेंट ऐसे है, कुछ इश्यूज ऐसे है, कुछ एलिगेशन ऐसे हैं, तो यकीनन एफआईआर किया जा सकता है। एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर जो पहलवान आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर हैं, अब उनके पास कानूनी नजरिए से क्या विकल्प खुले हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमारे बयान तक दर्ज नहीं हुए। देखिए, लर्नेड सॉलिसिटर जनरल ने कैटेगोरिकली आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 164 के बयान के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है और अब कुछ ही दिनों के अंदर सभी 6 एडल्ट्स हैं, आई थिंक एक माइनर है, तो उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे, कुछ ही दिनों में रिकॉर्ड करके उन पे कार्रवाई भी की जाएगी। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज लर्नर एसजी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्राइज किया इस चीज के लिए, और इवन अरेस्ट जो उनको एक कहीं ना कहीं एक फियर था प्रोटेक्शन के लिए भी, तो वहां पर कुछ पुलिस कॉन्स्टेबल्स भी डिप्लॉय किए गए, इवन आम पुलिस कॉन्स्टेबल्स जंतर मंतर में भी डिप्लॉय किए गए, जहां पर तकरीबन आउट ऑफ 7 कंप्लेनेंट्स 3 कंप्लेनेंट्स जो है जंतर मंतर में भी धरना दे गए, तो वहां पर भी आम पुलिस ऑफिसर डिप्लॉय किए गए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंप्लेनेंट्स। सर, मैं आपके पास आऊंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी बातों को समझा पा रहे हैं कानूनी नजरिए से। अश्वनी शाही जी, मैं पूरे मसले को जो देखे और समझे उसके जहन में अब एक सवाल आ रहा है। सवाल ये, क्योंकि अश्वनी शाही जी, मुझे पूरी उम्मीद है जो रात की तस्वीरें दिखाई दी, इन तस्वीरों को देखकर वो रोते हुए पहलवान, जो महिला पहलवान आपने भी देखे होंगे, इन तस्वीरों को देखकर आपको अफसोस हुआ कि नहीं? जी जरूर, अगर महिला पहलवानों ने वहां पर जो है जो रुदन किया है, हमको उसको देखकर भी कष्ट हुआ और 5 हमारे जो जवान घायल हुए हैं उसको देखकर भी कष्ट हुआ। कुछ महिला पहलवान, कुछ पुरुष पहलवान वहां पर, ये जो महिला पहलवान रो रही हैं, तो आपको अफसोस हुआ? मतलब नहीं, मतलब अगर हमारे देश के लिए उन्होंने जो है कुछ किया है, तो भले ही वो राजनीति से प्रेरित होकर वो यहाँ पर अपना धरना दे रही है, लेकिन वो हमारे देश का गौरव रही है और हैं, रही नहीं है, देश के लिए मान बढ़ाया और हैं, लेकिन हमारे देश के वो सिपाही भी अपने उसकी उनके रक्षार्थ वहां पर खड़े थे। लेकिन यक्ष प्रश्न ये उठता है
के दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके सोमनाथ भारती, उनको तो शायद संविधान का भी ज्ञान है, कानून का भी ज्ञान है, वकील भी है शायद, हमने सुना है, लेकिन उनका ज्ञान उस दिन से ही खत्म हो गया जब अपनी गर्भवती पत्नी को कुत्ते से कटवा सकते हैं तो बगैर पुलिस से परमिशन लिए और वो चारपाई पहुंचाने क्यों चले गए, इसमें उनको संवैधानिक ज्ञान नहीं था। और वहां जाकर उसके पहले सारी चीजें शांति थी, सन्नाटा था, सब कुछ था। किसी को फोल्डिंग पहुंचाना जो है वो अपराध है, पॉलिटिक्स करना अपराध है संविधान में। अगर आप न्याय की बात यहाँ पर कर रहे हैं दीपक जी, सॉरी चावला साहब, चावला साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर हम और आप यहाँ पर संविधान की समीक्षा की बात कर रहे हैं जैसा एडवोकेट साहब ने बताया और संवैधानिक रूप से बात कर रहे हैं, न्याय संगत बात कर रहे हैं, तो दिल्ली के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक को कम से कम वहां पर जाने से पहले जो वहां पर न्याय के पहुंचाना कौन सा अपराध है, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ। नहीं तो अभी मैं कुछ बोल, देखिए आप तो कुछ कह सकते हैं, मैं कह दूंगा कि ये अगर उनके लिए प्रोटेस्ट था FIR दर्ज कराने का, FIR लाज हो गई जाए, वो क्यों राजनीति से प्रेरित होकर वहां बैठी है। लेकिन वो आप बार बार एक चीज कह रहे हैं, फोल्डिंग पहुंचाना अपराध नहीं है, सबको अधिकार है धरना देने का। पहुंचाना आप सुन लीजिए तिलक चावला साहब, फोल्डिंग पहुंचाना अपराध नहीं है, लेकिन कानूनी तरीके से अगर पुलिस वालों से उसकी अनुमति लेकर पहुंचाए होते तो वो न्याय पूर्वक होता। और 5 सिपाहियों का सर किसने फोड़ा, उस पर आपने सवाल किया? आपको देश के जवानों से की कोई भी फिक्र नहीं है? सर, देश की महिलाओं को हमको फिक्र है सर, लेकिन आपको फिक्र है, आपकी रक्षा करते हैं। जी जी क्या बिल्कुल, आप लोग नहीं, कोई कोई तरीका होना चाहिए, व्यक्ति नहीं, तरीका मैं बता रहा हूँ सर, सर तरीका ये भी है, ये नहीं पूछा चावला साहब, आप जो है इतने संवेदनहीन नहीं हो सकते। आज जो आपने कहा कि चारपाई पहुंचाना गलत हो गया, भाई देश का जवान आपका दिल्ली का पुलिस का सिपाही पिट रहा है, 5 पुलिस वाले घायल हैं, आपने कहा कभी एक बार भी आपने संवेदना की बात की? उनके उनका नाम आपने लिया, मैंने लिया, ये खिलाड़ियों के लिए भी संवेदना है, उनके लिए भी है, लेकिन इस तरीके की बात करके और नहीं, ये गलत आपने कहा तो मेरा ये क्षमा के साथ मैं कहना चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं। शाहिदी, ये तो ठीक वही वाली बात हो गई कि एक तरफ किसान और दूसरी तरफ पुलिस, कुछ याद आया सर? तो वही आदि क्या आप कहना चाहते हैं, ये किसान आंदोलन की तरह ही प्रायोजित है, वो प्रायोजित आपने कह दिया, आपने 28 जनवरी 2021 अगर मैं सही हूं तो आपने जिक्र किया कि एक प्रायोजित वो प्रायोजित था और ये भी प्रायोजित है, आपने तब भी तो सर वॉटर कैनन आंसू आपने भी कहा किसान, आपने कहा किसान और ये तो भाई आप मान गए कि किसान भाई इतने बड़े आप जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि किसान का बेटा, किसान का बेटा पुलिस वाला है सर, जिसको आमने और सामने हमने देखा, और जो रोड पर जो है कीले बिछाई गई थी फिर वो न्याय था। रोड पर कीले के बिछाने के लिए पुलिस प्रशासन कुछ भी कर सकता है कि उनको प्रदर्शनकारियों को ना आने दिया जाए, शांति व्यवस्था कायम रखा जाए, इसके लिए क्या गलत था वो सर? मैं वही तो आप इतना नाराज हो गए, मैं यही बात तो जानना चाह रहा था कि क्या फोल्डिंग आने से, मैं आपने फोल्डिंग गलत, फिर मैं कह रहा हूँ फोल्डिंग आने से क्या शांति भंग हो जाती? एकदम को पूछ के लाना चाहिए ना, उसका एक नियम होता है, वहां पर नहीं ले जाया जा सकता था, वहां पर वो सोने की जगह नहीं है, वो पिकनिक की जगह नहीं है, वहां आंदोलन हो रहा है, फोल्डिंग क्यों पहुंचा रहे हैं? उनको न्याय का ज्ञान नहीं है? अच्छा, फोल्डिंग क्यों पहुंचा रहे? फोल्डिंग नहीं पहुंचानी चाहिए थी, पूछ के पहुंचाना चाहिए प्रभु, मैंने बार बार कहा पूछ के पहुंचाना चाहिए। अन्ना हजारे का जब आंदोलन चल रहा था सर, तब तो बड़े फोल्डिंग पहुंच रहे थे, उन्होंने अनुमति ली कि नहीं ली? जंतर मंतर पर नहीं हो रहा था आंदोलन, वो अन्ना हजारे का आंदोलन दूसरा था। आ जाइए आप देखिए, आप शब्दों में मत छिपिए, आप बताइए कि क्या सोमनाथ भारती ने फोल्डिंग के लिए किसी पुलिस प्रशासन के किसी भी व्यक्ति से अनुमति ली कि हमको वहां पर कष्ट है, हमारे देश के गौरव खिलाड़ी वहां हैं, हमको 10 फोल्डिंग 100 फोल्डिंग पहुंचाना है? नहीं लिया। क्या पॉलिटिकल हाईजैक ये धरना हो चुका है जिसका जिक्र अश्वनी शाही जी कर रहे हैं कि आप लोग न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप लोग इस वक्त अपनी राजनीति बचाने के लिए इसे मुद्दा बना रहे हैं? जवाब दीजिए। ये कैसी क्या कहते हैं सरकार है,
एक तरफ तो जो FIR लिखवा रहा है उसकी FIR लिख रही है और दूसरी तरफ उसी पे लाठीचार्ज कर रही है उसी पे लाठीचार्ज कर रही है। लाठीचार्ज करने के लिए उसने ऐसा माहौल क्यों बनाया? कौन सी ऐसी बड़ी भारी बात हुई कि वे चारपाई चली गई और पुलिस वालों से नहीं पूछा गया? उसके पिस्तौल बंदूक तो थी नहीं, उन्होंने देख लेते चारपाई चली कोई बात नहीं, कहते भाई आगे जाइए तो हमसे पूछ लीजिएगा, इतना कहने में क्या दिक्कत की बात। और देखिए बस थोड़ी सी मानवता इस सरकार को आनी चाहिए। आपको याद दिला देते रखिए जब आदर्श घोटाला कांड हुआ सरकार में, अशोक चौहान उसमें वहां के मुख्यमंत्री थे और उनका कोई कसूर नहीं था लेकिन उसे इस्तीफा लिया गया, इस्तीफा लिया गया, कोर्ट ने उनको बाइचेस बरी किया। पवन गोयल के भांजे भतीजे के ऊपर 20,000 रुपए की रिश्वत का केस था, पवन गोयल जी रेल मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और निर्दोष निकले, आज वो हमारे कोषाध्यक्ष है। करीम जी और राजा टू जी इंस्पेक्टर में जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाए जिसको के बाद उन्होंने कोर्ट ने कहा कि हमारी गलती है जिन्होंने ये क्वेश्चन किए थे, उनसे भी इस्तीफा लिया गया। तो देखिए ये सारी चीजें इसलिए की जाती है कि हमको जनता चुनती है और जब कोई विपक्ष आरोप लगाता है तो हम जनता को और विपक्ष को संतुष्ट। ओमकार जी ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग इतना मामले को सुलझाने की बजाय उलझा चुके हैं? आपने पहलवान और सरकार दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। नहीं, हम क्यों करने वाले होते हैं? जब वो बैठे थे तो हमने तो कुछ भी नहीं किया था, जब उनके संग जाति होने लगी तो हमने उनको समर्थन दिया। सर आप ही के नेता पर गंभीर आरोप लग रहे हैं आंदोलन धरने को भड़काने के, पहलवानों को भड़काने के, आप जानते हैं ना सर? ये तो सर आप कह रहे हैं और नहीं नहीं मैं नहीं कह रहा, ये बृजभूषण कह रहे हैं, वो नाम ले रहे हैं हुड्डा का, वो कह रहे हैं कि हुड्डा इन्वॉल्व है इसमें, वो सब कुछ यही करवा रहे हैं। सुनिए, वो तो खुद ही कल्पित है, उनकी बात को अगर आप इतना विश्वास लेते हैं तो भाई हम कुछ नहीं कह सकते हैं, वो तो सब कुछ कह सकते हैं और कुछ सब कुछ कह के। यानी आप ये कह रहे हैं आप लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं है? हम लोग की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि क्या कहते हैं ये भड़के आंदोलन, ये जो बच्चे इस समय जो हमारी बेटियां हैं जो वहां पे लड़ रही हैं उनकी इज्जत का सवाल है। अश्वनी जी कुछ कह रहे हैं, अश्वनी जी प्लीज जल्दी से, फिर मैं कौशिक जी आपके पास आ रहा हूं। करते हैं उन लड़कियों के बारे में कई भाषण नहीं बोलते हैं क्या? हम कहते हैं कौन से थे? अश्वनी जी का ऑडियो प्लीज। उनको पार्टी से निकाल दे या उनका इस्तीफा ले ले या उनको गिरफ्तार करा दे, गिरफ्तार करा के जमानत करा दीजिए। अश्वनी जी का ऑडियो प्लीज, अश्वनी जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी अनम्यूट हूँ मैं अनम्यूट हूँ। हाँ, जी मैं ये कह रहा हूँ सिंह साहब से कि दीपेंद्र हुड्डा जी क्या करने वहाँ गए थे? अगर नहीं गए थे तो जनवरी में जब ये आंदोलन हुआ तो पिता पुत्र दोनों लोगों ने कहा था ब्रजभूषण जी के ऊपर मानहानि का मुकदमा कराएंगे। क्यों ये बयान आया था? आज तक मानहानि नहीं हुआ, इसका मतलब आप भड़काने का काम आप लोग कर रहे हैं, वहाँ कांग्रेस कर रही है, पप्पू यादव गए, आम आदमी पार्टी गई, जो ये राजनीतिक बनाने की बात आप लोगों ने, उनको अगर न्याय की जरूरत थी न्याय मिल रहा था। शाही जी 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 आप लोग क्यों नहीं जाते? बीजेपी क्यों नहीं जाती वहां? क्या पता ये धरना ही खत्म हो जाए? नहीं नहीं बीजेपी को जिस दिन लगा था उस दिन खिलाड़ियों से बीजेपी ने बात किया, माननीय खेल मंत्री ने उनको बुलाया, बैठाया, बात किया। अगर ओलंपिक के मेडल विजेता ये लोग हैं, एशियाड के हैं, कॉमनवेल्थ के हैं, तो मैरीकॉम जी भी स्वर्ण पदक विजेता है और कई पदक है उनके पास, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री सब है उनके पास उनकी अध्यक्षता में। डोला बनर्जी जी भी पदक विजेता हैं उनकी सदस्यता में और 7 लोगों की कमेटी, और इन लोगों ने जिसको कहा बबीता फोगाट जी को कि इनको भी रखा गया उसमें, उसके बाद उनकी कमेटी की रिपोर्ट मानने डॉक्टर कौशिक लोगों ने डॉक्टर कौशिक कर दिया। एक मिनट कौशिक जी, अब ये मामला सुलझने की बजाय उलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, अब तो ये सीधे तौर पर पहलवान वर्सेस सरकार हो गया, जहां एक तरफ धरना दे रही महिला पहलवान है और दूसरी तरफ सरकार दिखाई दे रही है। ये तो नाक की लड़ाई बना दी ओमकार नाथ जी ने, कहा कि लड़ते रहो। देखो जब उन महिला पहलवानों की सुरक्षा दिल्ली पुलिस को थी तो ये जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस क्या होना चाहिए, कौन व्यक्ति जाकर को मिल रहा है, कौन व्यक्ति जाकर के नहीं मिल रहा है, होल्डिंग रहेंगे होल्डिंग। कौशिक जी आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं माफी चाहूंगा, तकनीकी दिक्कत की वजह से समस्या आ रही है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं सर, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, मैं कनेक्ट करवा रहा हूं सर कौशिक जी, ब्रेक के उस पार आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार सवाल यही कि आखिरकार ये सियासी दंगल क्यों? एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहे हैं।
तो मिडनाइट दंगल की हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, तमाम सवाल और सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे थे ब्रेक से पहले। मैं डॉक्टर कौशिक आपके पास आना चाहूंगा, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही थी। कौशिक जी, क्या अब ये लड़ाई जो दंगल चल रहा है जंतर मंतर पर, ये सुलझती हुई दिखाई दे रही है या और उलझ गई है कानूनी नजरिए से? कौशिक जी, कौशिक जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी कौशिक जी, मैंने कहा कि ये लड़ाई अब और उलझती हुई दिखाई नहीं दे रही आपको? कौशिक जी माफी चाहूंगा, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा। कौशिक जी, सर आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा। अविनाश शुक्ला जी, जो कमेटी बनी उसकी रिपोर्ट का अगर अध्ययन करना हो तो वो भी विकल्प नहीं खुला, क्योंकि वो रिपोर्ट क्या है वो सार्वजनिक नहीं हुई। अब ऐसी स्थिति में जांच कहां जाती हुई दिखाई दे रही है अविनाश शुक्ला जी, कानूनी नजरिए से? देखिए, जो पिटिशनर्स के जनरल काउंसिल थे उन्होंने भी ऑनरेबल कोर्ट में कहा जी कि एक कमीशन हो और एक इंडिपेंडेंट एजेंसी हो, कोई रिटायर्ड जज हो जो उसको आई मीन एग्जामिन करे, जिनके अंडर ऑब्जर्वेशन में सारी प्रोसीडिंग्स हो। तो ऑनरेबल कोर्ट का कहना था कि देखिए, आपके पिटिशन की प्रेयर के अकॉर्डिंग तो हमने एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, बट आपके ये ग्रीवेंस अगर आपको लगता है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है या प्रॉपरली स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं या एविडेंस टेम्पर किए जा रहे हैं, तो ये सभी तरह के ग्रीवेंस जो है मजिस्ट्रेट के सामने आप रेज कर सकते हैं या फिर आप हाईकोर्ट के सामने रेज कर सकते हैं बाय इनवोकिंग 482 सीआरपीसी। अब देखिए, कोर्ट का काम जांच करना नहीं, जांच करने का काम है जो जांच एजेंसियां हैं, जो हमारे यहाँ जिस तरह से पुलिस प्रशासन है, ये काम उनका है एविडेंस कलेक्ट करना। 161 के जो स्टेटमेंट लेंगे वो एविडेंस कलेक्ट करेंगे और वेरियस अदर एविडेंस कलेक्ट करेंगे, देन मजिस्ट्रेट के पास प्रूव होगा, चार्जशीट फाइल होगी और उस तरह से पूरे चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। तो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ लॉ। अब किसी भी प्रोसेस ऑफ लॉ को अंडरमाइन करना या किसी भी एक एजेंसीज को, जो लॉ एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज होती हैं लाइक पुलिस एंड अदर लॉ एग्जीक्यूटिंग एजेंसी लाइक सीबीआई एंड अदर्स, उनके प्रोसेस को अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। कोई भी कोर्ट तब तक इंटरफेयर नहीं करता है जब तक उन्हें यही ना लगे कि जांच पड़ताल में कोई गड़बड़ी है। अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करता है, बट अगर कोई ग्रीवेंस है तो यकीनन मजिस्ट्रेट हैज द ऑल पावर्स टू एंटरटेन द पिटीशन, टू एंटरटेन द ग्रीवेंस। कौशिक जी जुड़ गए, कौशिक जी अब मेरी आवाज आ रही है आपको? सर कौशिक सर, आपके ऑडियो में आज पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही है। कौशिक सर, हाँ सर अब आपकी आवाज आई, मैं माफी चाहूंगा, हमारे एंड से दिक्कत आ रही है, मैं माफी चाहूंगा आपसे। कौशिक सर, मैं जानना चाह रहा हूं ये मामला सुलझने की बजाय उलझता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? कौशिक सर, मैं माफी चाहूंगा, आप जो बात बोल रहे हैं वो बात
हमारे तक नहीं पहुंच पा रही तकनीकी दिक्कत की वजह से, लेकिन जो बात आप बोल रहे हैं वो जरा देश को भी सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात आप बोल रहे हैं। आप प्लीज कनेक्ट करिए किसी भी तरह से कौशिक जी को। मैं एक बात समझना चाह रहा हूं, जो बात अविनाश जी ने कही, ओंकार नाथ जी, आप लोग कह रहे हो कि हम तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक, आपका तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं है ना ओंकार नाथ जी, आप लोगों का कोई इसमें लेना देना है नहीं, आप लोग तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हो। तो फिर एक काम करिए ना, जो बात अविनाश जी कह रहे हैं, आप लोगों के पास काबिल, आपकी पार्टी के पास काबिल वकीलों की कमी तो है नहीं, है ना सर, और कोई दिक्कत भी नहीं है कि सर कोई फीस देनी पड़ेगी, वो तो कोर्ट में जाकर लड़ सकते ना। जो अन्याय हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाइए हाईकोर्ट, हाईकोर्ट जाइए, यही बात है ना अविनाश जी, जो बात आप समझा रहे थे मुझे। अगर कोई समस्या है जांच में तो वो कह रहे हैं हाईकोर्ट जाइए, बताइए, चले जाइए, क्या दिक्कत है ओंकार नाथ जी? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हम लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं, और इन बच्चों को समझाने के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। हम उनके साथ हैं कि उनके संग कोई अत्याचार ना होने पाए, लेकिन सरकार जो है वो अत्याचार पे अत्याचार कर रही है। सर मैं मान रहा हूँ ना आपकी बात, अत्याचार हो रहा है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हो? एक बात बता दीजिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, FIR, उसे गिरफ्तार कर लीजिए, गिरफ्तार करने वाले जमानत दीजिए, क्या दिक्कत की बात है? गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? उसमें कौन सा प्रेसिंग इशू बन गया है? और ये सरकार इतनी अहम है, आप देखिए, आप ठीक, मैं पूछ लेता हूँ अविनाश जी, जो बात ओंकार नाथ जी कह रहे हैं, क्या टेक्निकली, ना एक मिनट सर क्लियर कर लेते हैं, साथ के साथ क्लियर कर लेते हैं ओंकार नाथ सर, आपकी बात साथ के साथ क्लियर कर लेता हूँ सर, पॉलिटिकल व्यक्ति तो नहीं है ना, वो कानून के ज्ञाता ही है, हम लोगों से कानून ज्यादा जानते होंगे। अविनाश जी जो बात ओंकार नाथ जी कह रहे हैं, पॉक्सो एक्ट है तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं, क्या ऐसा ही होता है? अविनाश जी का ऑडियो प्लीज। पॉक्सो एक्ट में यकीनन कंप्लेन होने के लिए विद इन 24 आवर्स पुलिस को एक्ट करना चाहिए और एविडेंस रिकॉर्ड करना चाहिए और उस पर कलेक्ट करके एक्शन लेना चाहिए। बट मेयरली एलिगेशन के बेसिस पे, अगर किसी ने एलिगेशन किया है उसको बिना एग्जामिन किए हुए इमीडिएट अरेस्ट नहीं किया जा सकता। पहले एग्जामिन किया जाएगा कि एलिगेशन लगाया गया है उस पर रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट, देन अरेस्ट हो सकता है अगर एलिगेशन आर टू बी फाउंड ट्रू। नहीं, जैसे ओंकार नाथ जी कह रहे हैं, ये सवाल जो है वो देश के जहन में है कि भाई आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट लग गया तो आप जो है गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो, ये बात ओंकार नाथ जी कह रहे हैं। देखिए, पॉक्सो एक्ट की ही सिर्फ बात नहीं, बात है कि कोई भी कंप्लेन को एज एन FIR रजिस्टर करना ये पुलिस की ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है। पॉक्सो एक्ट का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि अगर कोई एलिगेशन लगाए तो इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए जब तक पुलिस उसका एग्जामिन ना करे। बट देयर इज अ लिमिटेशन, विद इन 24 आवर्स पुलिस को उसको एग्जामिन करना चाहिए, उस जो भी एलिगेशन है उसको एक अनलिमिटेड पीरियड के लिए डिले। तो यहाँ पर पुलिस का फेलियर है, यकीनन है, और इसी वजह से जो हमारे खिलाड़ी हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और ठीक, ओंकार नाथ सुना आपने, वो ये कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि तुरंत गिरफ्तारी हो। उन्होंने वही बात कह दी कि 24 घंटे में करके एक्शन लेना चाहिए जो पुलिस ने नहीं लिया, 24 घंटे में इंक्वायरी करके एक्शन लेना चाहिए जो पुलिस ने नहीं लिया। तो आप हाईकोर्ट, आप इनकी मदद कर सकते हैं सर, हाईकोर्ट जाइए ना। फिर वही बच्चों वाली बात आप करते सर, ये बच्चों वाली बात हो गई, क्यों लड़वा रहे हो? नहीं, आप मदद करना चाहते तो कोर्ट क्यों नहीं जाते आप? सरकार देखिए बेरहमी कर रही है, आप कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि सरकार सुन नहीं रही, दिल्ली पुलिस नहीं सुन रही, कोर्ट तो सुनेगा ना सर, कोर्ट चले जाइए, क्या दिक्कत है? हर चीज में भागने के लिए कोर्ट ही थोड़ी, कोर्ट क्या क्या कराएगी? सवाल इस बात में सरकार क्या कर रही है, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, नंबर एक। नंबर दो, इन बच्चों से बात क्यों नहीं कर रही वहां पे जाके? आपको याद होगा जब अन्ना हजारे जी आवरण अंचल पर बैठे थे तो हमारी सरकार के मंत्री वहां गए थे मिलने के लिए, पूरी लोकसभा ने उनसे रिक्वेस्ट किया था, क्या कौशिक सर कनेक्ट हुए, वापस लीजिए अंचल समाप्त कीजिए, हम लोकपाल बनाएंगे, ये कहा था उन्होंने। अरे भाई, आप इतना भी नहीं कर सकते हो, करो तो भाई, ये कौन सा तरीका है कि हम जो करेंगे हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रही है बच्चों का प्रोटेक्शन करिए, और प्रोटेक्शन में आप उन पर लाठीचार्ज कर रहे हो, ये कौन सी बात है? आपकी दिलचस्पी कोर्ट में नहीं है जाने की, सर न्याय तो कोर्ट से ही मिलेगा ना, देखिए मामला तो फाइनली कोर्ट में ही जाएगा,
उनके जो बच्चे जाएंगे ना, जब वो जाएंगे तब तो कोई मदद करेगा, हम थोड़ी उनको ले जाएंगे, हम थोड़ी आंदोलन कर रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं। अच्छा तो मतलब आप मिलने के लिए कोई, आप सुनिए, अगर आप बीमार हैं हम आपको देखने के लिए चले गए तो क्या हम आपको इलाज करने लगे हैं? हम डॉक्टर तो नहीं है। अच्छा तो मतलब आप इनकी मदद नहीं कर पाएंगे। बच्चों के साथ में उनकी सहानुभूति है सर, साथ में होने का मतलब ये है ना कि आप अगर आप कह रहे कि वो मुसीबत में है तो कोर्ट में आप मदद कर सकते हैं उनकी, सरकार देगी, कोर्ट में हम कैसे पूछ जाए, हम जाए वो कैसे, आप जाइए आपके में जरूरत नहीं तो हम क्या करेंगे। अच्छा पहली बात उन्होंने यही कहा था कोई राजनीति पास में ना, अब तो सब जा रहे हैं सर, क्या दिक्कत है, हम थोड़ी चलाएंगे। ठीक कौशिक जी अब मेरी आवाज आ रही है आपको? कौशिक जी माफी चाहूंगा सर माफी चाहूंगा, बहुत दिक्कत आ रही है, माफी चाहूंगा। अश्वनी शाही जी मैं एक बात समझना चाह रहा हूं, जो बात ओमकार नाथ जी कह रहे हैं, आपने कहा कि आपने उन दिल्ली पुलिस का जिक्र नहीं किया रात को जो कुछ हुआ, लेकिन ये वही दिल्ली पुलिस तो है जो FIR दर्ज नहीं कर रही थी और कोर्ट के कहने पर FIR दर्ज करनी पड़ी। देखिए इसके लिए घटना चक्र को पीछे से जाना पड़ेगा। हाँ। जब पहले हमारी जनवरी में महिला खिलाड़ी जब यहाँ बैठी थी, उन लोगों ने क्या किया, तानाशाही के खिलाफ जो है एक आंदोलन है, किसी अन्य लड़कियों के खिलाफ कांड किया है इन्होंने, इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। उसके खेल मंत्री के साथ भी मिले ये लोग, वहां से एक कमेटी भी गठित हुई, उसकी रिपोर्ट खेल मंत्रालय को चली भी गई। उसके बाद अब दोबारा जब धरना हुआ फिर FIR की मांग हुई, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा FIR दर्ज हो गई। तो ये लोगों को अब एक नई मांग आ गई कि गिरफ्तारी की जाए, इस्तीफा दें। तो ये साफ हो रहा है कि ये वाकई राजनीति का इन खिलाड़ियों के पीछे सिंह साहब की पार्टी और अन्य पार्टी के लोगों का राजनीतिक दिमाग है। कल देखिए एक ये बच्चियां जब उस समय पैदा नहीं हुई थी या खिलाड़ी पैदा नहीं हुए थे जब PT उषा जी ने हमारे देश के लिए मेडल लिया था, कल किस तरीके से उनको अपमानित किया गया वहां, उनके पास ही मेडल है, जब जूता चप्पल नहीं होते थे, इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, किस तरीके से खेल मंत्रालय चला करता था उस समय की बात। कौशिक जी अगर कनेक्ट हो गए तो प्लीज, कौशिक जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी अब? कौशिक जी मेरी आवाज आ रही है अब आपको? सुनील कौशिक जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कौशिक जी तक ऑडियो नहीं जा पा रहा। मैं एक बात समझना चाह रहा था, ये पुलिस की कार्रवाई, आप ये कह रहे हैं अश्वनी शाही जी ये पुलिस की जो कार्रवाई हुई आप ये कह रहे हैं कि ये जायज थी? देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पहले भी मैंने कहा, हाँ, कि सोमनाथ भारती जी को अगर वो पूछ लेते कि, हाँ, चारपाई लेकर गए, चारपाई में बम होता और वहां कोई दुर्घटना हो जाती तो क्या होता? नहीं मतलब कुल मिलाकर जायज थी ना, पुलिस ने अपना काम किया, चारपाई ले जाने से रोका, उसके पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन हाँ, PT उषा जी को अगर जिस तरीके से बेइज्जती की गई, क्या आपके नजरों में सही है वो? अगर वो सही है तो एक थोड़ा ज्ञान वर्धन करे, मार्गदर्शन करे हमारा। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि वो जायज नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, बदसलूकी जायज नहीं होती। दिल्ली पुलिस के ऊपर बदसलूकी का ये आरोप भी है कि वहां पर दिल्ली पुलिस के ही सिपाही ने ड्रिंक कर रखी थी, यानी कि उसका मेडिकल कराने की बात हुई है, मेडिकल अगर दोषी पाया जाएगा उसके, तो आप कह रहे हैं ना कि आप दिल्ली पुलिस का जिक्र नहीं कर रहे, ये जायज था? अगर फोल्डिंग जायज नहीं था, वो धरने पर बैठे हुए गीले बिस्तर, बारिश हो रही है, कीचड़, लेकिन फोल्डिंग जायज नहीं, ये नाजायज आप कह रहे हैं तिलक जी? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं कह रहा हूं, ये फोल्डिंग आप कह रहे हैं कि गलत था, मैं नहीं कह रहा, फोल्डिंग ले जाना गलत नहीं था, फोल्डिंग चारपाई जब वहां पर ले गए तो उनको किसी दरोगा SP DSP कोई भी होगा उससे उन्होंने पूछना चाहिए था
सर दिल्ली पुलिस ने क्या होता, कोई दुर्घटना हो जाती क्या होता? सर कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो कि आपने कहा देश जानना चाह रहा है। आप लोगों के जवाब को थोड़ा सा या तो आप अनसुना करते हैं या जो है चीजों को घुमा देते हैं थोड़ा, उसको भी तो हम लोगों को संतोषजनक नहीं नहीं सर, मैं क्यों घुमाऊंगा सर? बहुत अच्छे प्रस्तोता है, मैं सम्मान करता हूं आपका, मगर आप भाग जा रहे हैं, ऐसे मैं जवाब दे रहा हूं, तुरंत ट्रैक आप छोड़ दे रहे हैं। आज पहली बार मैं देख रहा हूं चावड़ा साहब। नहीं नहीं अश्वनी सर, मैं तो सिर्फ वही सवाल कर रहा हूं जो देश के सवाल है, देश के जहन में सवाल है। नहीं देश का सवाल तो यहां, देश तो बहुत सवाल कर रहा है, देश तो बहुत सवाल कर रहा है, बहुत मी टू भी हुआ था इस देश में, बहुत लोग जो है सम्मानित लोग उसमें आए और उसके बाद कोर्ट ने उनको बरी किया, उस अपमान को कैसे सम्मान को वापस ले आएंगे? सर आपने सर मैं तो सिर्फ देश जो सवाल कर रहा है, मैं वो सवाल कर लूं सर आपसे? सवाल आज ऑडियो में थोड़ा सा सर बहुत दिक्कत है, मैं भी स्वीकार कर रहा हूं माफी के साथ, सार्वजनिक रूप से माफी मांग रहा हूं सबसे। मुझे एक बार बताइए, कर लेता हूं उसके बाद सिंह साहब के पास जाइए। आज एक घटना हुई, मैं शुक्ला जी से भी जानना चाहूंगा कि उस घटना के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। जब शायद खिलाड़ियों के वकील ने कहा कि हम लोग एक शपथ पत्र बंद लिफाफे में देना चाहते हैं तो, और उसकी कॉपी अटॉर्नी जनरल को नहीं देना चाहते हैं, इसके बीच में क्या हो सकता है? जबकि शायद माननीय कोर्ट ने कहा कि अटॉर्नी जनरल को दिया जाइए, वो शपथ पत्र क्यों इस तरीके से बंद लिफाफे में जा रहा था और अटॉर्नी जनरल को इन खिलाड़ियों के वकील ने देने से मना किया? सर बहुत सारे शपथ पत्र बंद लिफाफे में ही जाते हैं आजकल। खैर जवाब ले लीजिए शुक्ला जी, जो बात अश्वनी शाही जी कह रहे प्लीज जवाब दीजिए उसका। शपथ पत्र हालांकि हमारे ऑनरेबल सीजीआई ने कुछ समय पहले ही गवर्नमेंट को भी कहा कि ये शपथ जो क्लोज लिफाफे में जो हमारे एनवेलप्स पे जो चीजें आती है वो मुझे बिल्कुल मतलब आई मीन एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स, बट कुछ चीजें होती हैं जो मे बी वो एनक्लोज करके अपने कुछ रिवील नहीं करना चाहते इन पब्लिक, बट स्टिल इट्स अ प्रोसेस ऑफ लॉ, ये ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करता है वेदर कि वो एक्सेप्ट करना चाहेंगे या नहीं, और ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्ट किया था अटॉर्नी जनरल जी को और सॉलिसिटर जनरल को प्रोवाइड करने के लिए, तो ये डिस्क्रिप्शन ऑनरेबल कोर्ट का होता है, बिल्कुल ये ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड कर सकता है ठीक क्या चीजें उन्हें क्लोज एनवेलप में लेना है क्या चीजें नहीं। ठीक, मैं एक बात जानना चाह रहा था, मैं क्यों ये बात कर रहा था शोनी शाही जी, देश के जहन में कुछ छोटे छोटे सवाल हैं। रात की घटना जो घटी वो पूरे देश ने देखी, आप ये कह रहे हैं कि वो जायज है या नाजायज है या जो भी है उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि दिल्ली पुलिस ने अब तक बयान क्यों नहीं दर्ज किए, क्या लगता है आपको? सवाल नंबर एक। देखिए दिल्ली पुलिस ने जो बयान 164 में भी शुक्ला जी ने भी उस पर बहुत विस्तार से बताया है और वो बयान उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बताया गया है कि बयान दर्ज करने की स्थिति में पुलिस है वो बयान ले। नहीं अब तक दर्ज नहीं किए गए, ये सामान्य बात है जी, अब तक बयान नहीं दर्ज किए गए वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को बता दिया गया है क्यों नहीं दर्ज किया गया और कब दर्ज किया जाएगा। ठीक, और जो कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, ये सामान्य बात है? देखिए सार्वजनिक करना ना करना खेल मंत्रालय का काम है, खेल मंत्रालय ओलंपिक संघ का जो है रिपोर्ट आई, दो किया था उन लोगों ने, दो कमेटियां बनी थी, मैरीकॉम जी दोनों की अध्यक्ष थी और दोनों ने अपनी रिपोर्ट खेल मंत्रालय को दिया है, तो सार्वजनिक और मीडिया और हमारे पास आना ये वो नहीं है, जैसा अभी बंद लिफाफे की बात शुक्ला जी कर रहे हैं या अनेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि खेल मंत्रालय के ऊपर है जी। सच में उनमें और सुनिए जो चीजें वहां निकल कर आई थी कि कोई पहलवान विक्टिम जो भी था वहां पर बयान देने नहीं पहुंचा था, उसके बयान दर्ज नहीं थे उसमें, और आज इन लोगों के साथ हो रहा है 2018, 19, 20, 14 का मामला, दो साल पहले शादी में जो है किस तरीके से एक साथ फोटो खिंचवा रही है वो भी देश ने देखा है, देश जानना चाहता है कि अगर वो आदमी खतरनाक था तो उसके साथ अपने शादी में बुलाने की क्या आवश्यकता थी, मतलब कोई किसी के साथ से फोटो नहीं खिंचवा सकता, आरोप लगाया जा रहा कार्ड छीन कर ले गए, ओमकारनाथ जी का ऑडियो, ओमकारनाथ जी का ऑडियो, ये भी देश देखा है क्या नहीं हो रहा है। जनता पार्टी की ये सहानुभूति है कि लड़कियों के प्रति क्या बात बोली, वाह क्या बात कही आप, अरे मेरे मित्र ऐसी बात मत कहिए जिसमें आपका भी अपमान हो, और इसकी जान ली तिलक चावला से त्राज मत होइए, वो सबको चुटकी काटते हैं हमको भी काटते हैं, लेकिन मैं गुस्सा नहीं होता हूँ, गुस्सा होने के बाद प्रवोक इसलिए करते हैं कि हमारे गलत नहीं है, इसलिए
इसलिए ध्यान रखिए उसको थोड़ा। आपके जैसे गंभीर प्रवक्ता को भी चिल्लाने के लिए मजबूर कर देते हैं, तिलक जी को तालाब है इसके लिए। अश्विनी जी सुनिए, आज तो प्रधानमंत्री जी कर्नाटक के भाषण में बजरंग बली जी की बड़ी बात करते हैं। जब बजरंग बली जी भगवान राम से पहली बार मिले कर्नाटक में, तो पहला काम उन्होंने क्या किया, सीता मैया का पता लगाया। और आज प्रधानमंत्री के मुख से एक शब्द इन बच्चों के लिए नहीं निकल रहा है। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी कम से कम कहें उन बच्चों को न्याय मिलेगा, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, हम पर विश्वास करें, धरना समाप्त करें, क्या दिक्कत किया, उनके बच्चे हैं वो। अश्विनी जी ठीक, मैं आप जो बात करें उनका ना, आप सुन लीजिए ना अश्विनी जी। अश्विनी जी वो ये कह रहे हैं कि जब ये मेडल जीतते हैं बच्चे, हम इनको बुलाते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी बुलाते हैं। और ऐसा भी कई बार हुआ है कि जब ये विदेश में जीतते हैं तो देश के प्रधानमंत्री फोन करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनको बधाई देते हैं, कहते हैं कि बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो यहां पर अगर ये धरने पर बैठे हुए हैं, दो दो ओलंपिक मेडलिस्ट धरने पर बैठे हुए हैं, क्या खेल मंत्री या देश के प्रधानमंत्री फोन करके अगर ये तसल्ली दे दें कि बेटा दिक्कत मत लो, जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, आपको लगता कि पूरा बवाल खत्म हो जाएगा? जी जी, ये दो दो ओलंपिक मेडलिस्ट का सम्मान है, सलूट है, बहुत अच्छी चीज है। क्या इनको ओलंपिक मेडल जीतने के बाद पीटी उषा जी का अपमान करने का लाइसेंस मिल जाता है? मैरिकॉम जी की बातों को और मैरिकॉम जी के रिपोर्ट को न मानने का लाइसेंस मिल जाता है? क्या ऐसा है कि आप ओलंपिक मेडल जीत के आए हैं तो दूसरे मेडलिस्ट जो है उन लोगों ने उधार मांगा था कहीं से, या उनको सरकार से भारत रत्न जो है उस तोहफे में मिल गया था? उन्होंने भी मेहनत की थी, उनको मेडिकल उनको बनाया गया था, चेयरमैन बनाया गया था, लाठीचार्ज का विरोध कर रहे थे और बच्चियां उनके गले रख के रो रही थी। आज समाचार पत्र में खुद पेपर में निकला हुआ है फोटो के साथ, लिहाजा पीपी उषा जी को ये हिम्मत पार्टी बनाइए। जो सच है कि पुलिस ने जाती की आप ये कह रहे हैं कि ये राजनीति हो रही है, खिलाड़ी राजनीति कर रहे हैं, ठीक, ओमकार नाथ जी राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस राजनीति कर रही है, आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है। मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा हूं कि उनके लगाए गए इल्जामों की एक निष्पक्ष कमेटी जांच कर रही है, ठीक, आप लोग ये कह रहे हैं, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल को समझिएगा सर, और पूरा देश इस सवाल को सुने। आपने कहा, क्योंकि इस पूरे बवाल की जड़ है, आपने कहा ये कमेटी गठित है, कमेटी जांच कर रही है और जांच के आधार पर ही कार्रवाई होगी। सर ये भी तो बताइए देश को कि इस कमेटी में बीजेपी के विधायक उम्मीदवार बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त, भाजपा के सांसद पीटी उषा और मैरीकॉम जैसे दिग्गज हैं, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं, ये क्या भाजपा क्या देश विरोधी काम करती है भाजपा? मैंने ये तो नहीं कहा सर, आरोप तो आपके आपके सांसद पर लगाना। अरे तिलक जी मेरी बात तो सुन लीजिए, आरोप आपके सांसद पर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जज भी आप होंगे, वकील भी आप होंगे। आपने सवाल कर दिया, आप सुन लीजिए, जवाब सुनिए। आपने ही अपने जब सवाल में पूरा देश सुन रहा है, आपने वो बात साबित कर दिया। बबीता फोगाट को इन्हीं लोगों के कहने पर रखा गया था, वो हमारी बीजेपी उम्मीदवार थी, इन्हीं लोगों के कहने पर रखा गया था। अभी कुछ दिन पहले विनेश फोगाट का एक ट्वीट भी आया था कि बहन अब खिलाड़ियों को बदनाम तो मत करो, इस तरीके का, वो भाजपा की थी, चलिए ठीक है। मैरीकॉम जी कौन से पार्टी की सदस्य है, कौन से पार्टी की चीज है, आपको सबको पता है, उन्होंने ओलंपिक नहीं जीता है। योगेश्वर दत्त अगर उसमें है, डोला बनर्जी कहां से है, बीडी यादव कहां से है, लखनंदा अशोक कहां से हैं, सब लोग वही वो है। और आपने भाजपा, यानी कि ये विरोध भाजपा का है, ना कि ये विरोध उसको जो है अब्रजभूषण शरण सिंह का है। आपने जो नाम लिया जिस तरीके से, नहीं मैं तो सवाल पूछ रहा था, सवाल था सर, ये मामला भाजपा विरोध का है। क्यों हो रहे आज, क्या ब्रजभूषण को इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, यस और नो? एकदम नहीं देना चाहिए, एकदम नहीं देना चाहिए, क्यों सर? एकदम नहीं देना चाहिए, क्यों सर? भाजपा में एक मिनट, क्यों दे दे? एक मिनट, आरोप लगने पर क्यों दे दे? आरोप लगने पर इस्तीफा क्यों दे दे? तो आडवाणी जी ने आरोप लगने पर इस्तीफा क्यों दिया था? आडवाणी जी ने जो इस्तीफा दिया था वो दूसरा चीज था। अच्छा, किसी का चारित्रिक खनन किया जा रहा है गलत तरीके से, इस्तीफा क्यों दे दे भाई? वो गलत किया था, क्यों दे दे? जांच पड़ी थी तो उनको हटा दिया गया। नहीं नहीं, क्यों दे दे?
ऐसे ही उनके उनके पीछे उनको मेडल मिला है, इसका वो विक्टिम कार्ड खेल रही है। मैरीकॉम जी को मेडल उधार में मिला था, उनकी जांच कमेटी की रिपोर्ट वो नहीं मानेगी। ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, आ जाएगी भाई और इस्तीफा ले लिया जाए, जो इस्तीफा ले लिया जाए, इस्तीफा नहीं होना चाहिए सर। यही तो बात हो रही है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, ना बुरा बोलो, खिलाड़ियों के सम्मान में आखिरकार कौन मैदान में, क्या मसला वाकई सम्मान का है या फिर साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, यह बात पूरा देश जानना चाह रहा है। थैंक यू सो मच ओंकार नाथजी, अश्वनी जी, अविनाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और कौशिक जी, मैं माफी चाहूंगा, कनेक्ट नहीं हो पाए। तो मिडनाइट दंगल आखिरकार कब खत्म होगा? जांच होनी चाहिए। अगर ब्रिजभूषण के ऊपर लगे आरोप साजिश के तहत लगे आरोप हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई पहलवानों पर होनी चाहिए, लेकिन पहलवानों के आरोप अगर सही हैं तो फिर कार्रवाई ब्रिजभूषण पर होनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।